देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा की अंबाला पुलिस की CIA 2 टीम के हाथ बड़ी सफलता लगी है। CIA ने दिल्ली में रेड करके ड्रग्स के मुख्य सप्लायर को काबू किया है। आरोपी की पहचान मूल रूप से अफ्रीका निवासी एडविन उफ टैंको मोहम्मद इबुबे नवानको के रूप में हुई है, जो न्यू दिल्ली के चंद्र विहार में रह रहा था। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि एडविन नशा तस्करों के माध्यम से अंबाला और पंजाब में हीरोइन की सप्लाई करता था। यह अफ्रीका नशा तस्कर भारत में बिजनेस वीजा पर आया था। जांच में सामने आया है कि आरोपी एडविन वीजा खत्म होने के बाद से दिल्ली में अवैध रूप से रह रहा था। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश करके एक दिन के रिमांड पर लिया है। बताया गया है कि पुलिस पिछले दिनों अंबाला में पकड़ी गई हीरोइन मामले में भी प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आरोपी से पूछताछ करी थी। CIA 2 अंबाला ने आरोपी को पकड़कर फिलहाल दिल्ली पुलिस के हवाले किया है। SP जशनदीप सिंह रंधावा ने बताया कि पुलिस ने 16 ग्राम हीरोइन समेत लुधियाना निवासी कुश को काबू किया है। रिमांड के दौरान आरोपी ने कई अहम खुलासे किए थे। आरोपी कुश की मुखबिरी पर 1 सितंबर को डीहा कॉलोनी निवासी 2 महिलाओं समेत 4 आरोपियों को 1 किलो हीरोइन के साथ गिरफ्तार किया था। इसके साथ साथ CIA 2 और CIA शहजादपुर ने 60 और 263 ग्राम हीरोइन के साथ अन्य तस्करों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में सभी की कड़ी दिल्ली में बैठे ड्रग सप्लायर एडविन तक जुड़ी। SP ने बताया कि नशा तस्करी की चेन के अंदर थर्ड लेयर वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो अंबाला में अब तक करोड़ों की हीरोइन सप्लाई कर चुका है। अंबाला में पकड़े गए 4 नशा तस्करों के तार इस मुख्य आरोपी से जुड़े हैं। पुलिस नशा तस्करों की प्रॉपर्टी को अटैच करते हुए आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आरोपी को अलग अलग मामलों में प्रोडक्शन वारंट पर लेकर पूछताछ करेगी। अंबाला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। पिछले 1.5 महीने से अंबाला पुलिस ने एक खास NDPS के खिलाफ अभियान चला रखा था, जिसमें हमने भारी मात्रा में कमर्शियल क्वांटिटी के अंदर हेरोइन स्मैक बरामद की। और इसमें जब इसमें फर्दर हमने तफ्तीश की तो उसके सोर्स जो थे वो कॉमन पाए गए, और उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर CIA 2 संदीप इंस्पेक्टर के नेतृत्व में CIA 2 ने जो हमारा मेन सोर्स था, जहां से काफ़ी बड़ी मात्रा में ड्रग्स को स्मगल करके अंबाला के अंदर पहुंचाया जा रहा था, उसको अरेस्ट करने में कल कामयाबी हासिल की। जो एक्यूज्ड है वो मूल रूप से अफ्रीका से संबंध रखता है और वो हाल में दिल्ली के अंदर रह रहा था। इसकी डिटेल्स इस प्रकार से हैं। इसका नाम है एडविन उर्फ टैंको मोहम्मद इबुबे नवेंको, सन ऑफ मोहम्मद नवेंको, जो कि हाउस नंबर 29 दीदियर द्रबा लेआउट अबिद जान आइवरी कोस्ट का रहने वाला है। और ये वर्तमान में संत कबीर मॉडल स्कूल है चंद्र विहार न्यू दिल्ली के अंदर, ये हाल में वहाँ पे रह रहा था। और ये काफ़ी बड़ी मात्रा में इसने अंबाला के जो ड्रग तस्कर थे उनको हेरोइन ये सप्लाई कर रहा था काफ़ी टाइम से। अगर मैं पूरी डिटेल केस टू केस वाइज बताऊँ तो हमने सबसे पहले अगस्त के महीने के अंदर हमने 30 अगस्त को एक एक्यूज्ड को राउंड अप किया था, जिसका नाम था कुश, जो कि साहिबजादा जुझार सिंह नगर माछीवाड़ा रोड समराड़ा जिला लुधियाना पंजाब का रहने वाला था। और इससे हमने सदर अंबाला के क्षेत्र के अंदर टोल से हमने इससे 16 ग्राम्स ऑफ हेरोइन हमने रिकवर की थी। और इसके बाद हमने 1 सितंबर को एक गाड़ी स्विफ्ट डिज़ायर राउंड अप की थी पड़ाव क्षेत्र के अंदर, जिससे हमने लगभग 1 किलो हेरोइन बरामद की थी। और इसमें हमने 4 एक्यूज्ड अनवर राजबीर अंजलि और रेखा हमने अरेस्ट किए थे। और इस केस के अंदर बल्कि तफ्तीश के दौरान फिर जो फर्दर इसके सप्लायर थे इन चारों के, उसमें सलोचना का नाम आया था और उसको भी गिरफ्तार किया गया था। और साथ ही इसमें बाद में इन्होंने एडविन का
डिटेल्स शेयर की थी जिसके ऊपर काम करते हुए उसको अरेस्ट किया गया। इसके बाद हमने 16 सितंबर को जो हमारी CIA शहजादपुर है उसने एक आरोपी सुखदेव सिंह सुखा जो कि सर हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।